हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और रेसिपीज़ को एंजॉय करते होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए एक टेस्टी सी रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया था। इसके बाद हमने इसमें डाल था 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल। इसके बाद हमने डाल था जीरा और कटे हुए लहसुन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रफली चॉप किया हुआ 12 प्याज। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर भुनेंगे। आँच को हम मीडियम पर रखेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो भुने नहीं, जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक प्याज को भुनना है। आँच को हम मीडियम पे रखेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही ईजी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। प्याज हमारी देखिए यहाँ पर हल्की सी ब्राउन होने स्टार्ट हो गई है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी आंच को हम मीडियम पे ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं और ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए। टमाटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और उसको टमाटर को हम सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। जब हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू लिए थे। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। ये जो हम रेसिपी बनाएंगे ये 4 लोगों के लिए बहुत होती है, तो आप इसे यहाँ से मेज़रमेंट के हिसाब से अपने हिसाब से आलू कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आलू डालने के बाद हम आँच को तेज कर लेंगे थोड़ी देर। जब आलू हमारी थोड़ी सी भुन जाएगी इसको बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे और आँच को हम तेज़ पर रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें मिला देंगे शिमला मिर्ची। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्ची ली थी, इसको हमने अच्छे से धो के काट लिया था। इसके बाद हम यहाँ पे आंच को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और इसको हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है, इसको आप बनाइए। शिमला मिर्ची तो खाने में वैसे भी टेस्टी लगती है, तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें यहाँ पे हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट होने के बाद ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, तो इसको हम फिर से अच्छे से चला लेंगे सब्ज़ी को। उसको चलाने के बाद हम दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो हाफ़ कुक हो गई है। अब इसे हम दोबारा से ढक करके धीमे आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट। 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसे दोबारा से खोला तो ये देखिए ये हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक चुकी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसका जो पानी था वो सारा सूख चुका है और सब्ज़ी भी बिल्कुल सूखी हो रखी है और यहाँ इसकी आलू जो है वो भी पक चुकी है। आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी कितनी टमाटरी सी बिल्कुल टेस्टी सी लग रही है। इसको आप रोटी के साथ खाइए, परांठे के साथ खाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगती है और आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए।